In this video, I have discussed CCS University B.Ed. first year question paper and the subject is Computer Education, Computer Shiksha. So watch this video completely. Welcome to the channel Knowledge Score. Subscribe the channel, press the bell icon to get the latest notification. बिना देरी किए हुए चलिए हम क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन स्टैंडर्ड जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड द सब्जेक्ट इज पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस. यह पेपर जून 2019 में हुआ था और टोटल पेज 7 थे इस पेपर में और 3 सेक्शन थे. चलिए हम जानते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कि पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है. दिस वन, यह पेपर सेशन 2018-20 के लिए हुआ था जून 2019 में. पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस कोड E208, टोटल टाइम 3 आवर्स है. पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन था 3 आवर्स था. मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का था ये क्वेश्चन पेपर. हियर नोट, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन. सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों को हल कीजिए. इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए बी एंड सी. ओके, 3 सेक्शन थे ए बी एंड सी. ओके, ये सेक्शन ए जो है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन कंटेन करता है, बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंटेन करता है एंड सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंटेन करता है. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑल सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेक्शन ए. दिस सेक्शन कंटेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एंड मार्क्स 48 है. ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क. हर क्वेश्चन 16 नंबर का होता है. इंटू 3 कर दो, 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको तो 48 हो आपका हो जाता है. यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ भी है. दिस सेक्शन कंटेन्स 3 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चंस हैज इंटरनल चॉइस. अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चंस कैरीज 16 मार्क. इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं. प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस सेक्शन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस एट सेकेंडरी स्कूल. माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर विज्ञान के महत्व का उल्लेख कीजिए. आर अथवा गिव एन एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कंप्यूटर साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट. कंप्यूटर विज्ञान का एक स्कूल विषय के रूप में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण दीजिए. इस तरीके से क्वेश्चन वन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. दोनों में से जो आपको अच्छे से आता हो वो आप कर लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ सेक्शन ए, ये भी इंटरनल चॉइस रखता है. क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस आंतरिक चयन का विकल्प है. दोनों में से कोई एक आपको करना है. यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए. और अथवा एक्सप्लेन लेक्चर मेथड एंड पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण की व्याख्यान विधि और व्यक्तिगत अनुदेशन विधि को समझाइए. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचिंग ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर ओन चॉइस एट सेकेंडरी लेवल. अपनी पसंद के किसी प्रकरण पर माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण की एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए. आर अथवा एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन एंड डिस्क्राइब कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन इन कंप्यूटर साइंस. मूल्यांकन के अर्थ एवं महत्व को समझाइए और कंप्यूटर विज्ञान में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन का उल्लेख कीजिए.
तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीनों में ही आंतरिक चयन का विकल्प है। सो इन दिस वे सेक्शन ए ऑफ दिस पेपर इज कंप्लीटेड। और इस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए का क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहता है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंटेन कर रहा है। सो इसको एटलीस्ट आपको 4 to 5 पेज में आंसर देना चाहिए आपको। ओके, 4 से 5 पेजों में आपको आंसर देना चाहिए। नाउ हियर सेक्शन बी, खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न, 4 × 4 = 16। यह 16 मार्क्स का होता है टोटल खंड ब। ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। सो 4 × 4 = 16। ओके, यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, नोट दिस सेक्शन कंटेन्स 1 question of 8 parts, अटेम्प्ट एनी 4 parts, ईच पार्ट कैरीज 4 marks। इस खंड में एक प्रश्न के 8 भाग दिए गए हैं, किन्हीं 4 भाग के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग 4 अंक का है। और ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इस तरीके से देख लीजिए, आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। थर्ड, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, सहयोगी अधिगम उपागम। फोर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण का प्रत्यय। फिफ्थ, रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। सिक्स्थ, डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्रदत्तों का निरूपण। सेवेंथ, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता एवं महत्व। एट्थ, बेसिक प्रोग्रामिंग। इस तरीके से आपने देखा कि सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस हैं और 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 4 marks, एटलीस्ट आपको 2 से 3 पेज में इसका आंसर देना चाहिए फॉर गुड मार्किंग। सो नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी, खंड स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 × 8 = 16। सेक्शन सी जो है 16 मार्क्स का होता है। और यहां पर देख लीजिए, नोट दिस सेक्शन कंटेन्स 1 question of 10 parts, अटेम्प्ट एनी 8 parts, ईच पार्ट कैरी 2 marks। इस खंड में एक प्रश्न में 10 भाग है, किन्हीं 8 भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग 2 अंक का है। जैसा कि आपने देखा कि सेक्शन ए जो है 48 मार्क्स का है, बी सेक्शन 16 मार्क्स का, एंड सी सेक्शन इज ऑल्सो 16 मार्क्स। तो अगर तीनों को आप ऐड करते हैं तो ये आपका 80 नंबर का हो जाता है, 80 मार्क्स का होता है। तो मार्क्स का डिवीजन इस तरीके से 48, 16 एंड 16 का है। ओके, इस तरीके से सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 में से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 2 marks, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से सेक्शन सी जो है 16 मार्क्स का हो जाता है। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस इंट्रोड्यूस इन 3rd generation कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू की गई युक्ति। सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटीज, उद्देश्य के ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य। एटलीस्ट आपको 1 to 2 पेज में आंसर देना चाहिए, 1 पेज में भी आपका आंसर चलेगा लेकिन 1 से 2 पेज में आपको आंसर देना चाहिए फॉर गुड स्कोरिंग। एंड थर्ड, इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला को बनाने में पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण सोपान। फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ CAI टेक्निक्स, CAI तकनीकी का महत्व क्या है। नाउ हियर फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल के घटक। सिक्स्थ क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कार्य क्या है।
सेवेंथ क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग एड्स, अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषता क्या होती है आपको बताना है। नाउ हियर एट क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, परिचालन वातावरण क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन, स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, एक उपलब्धि परीक्षण बनाने के सोपान। एंड टेंथ, टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स, परीक्षण पदों के प्रकार। सो स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव सीन ऑल द सेक्शन, सेक्शन ए बी एंड सी, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।